सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरां वेख रहे आप सब का स्वागत कर दी। खबरें शुरुआत करांगे पर उस तो पहले हेडलाइंस से। खेती कानूनों विरुद्ध किसानों का अंदोलन जारी। किसान आगुआ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 26 जनवरी नूं दिल्ली विच बाहरी रिंग रोड से ट्रैक्टर मार्च कढ़न का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट भलके विवादित पूर्ण खेती कानून से दिल्ली सरहद से चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन संबंधित पटिशनों से अज करन जारी सुनवाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में मेहमान के तौर पर दिया सद्दा। खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन का अज 54वां दिन है। दिल्ली दी सरहदां ते किसानां दा धरना लगातार ही जारी है। इस दरमियान किसान जथेबंदियां दी आगुआं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसान जथेबंदियां दी आगुआं दा कहना है कि असी 26 जनवरी नूं दिल्ली विच बाहरी रिंग रोड ते ट्रैक्टर मार्च कढ़ांगे। स्वराज इंडिया दे योगेंद्र यादव ने कहा है कि गणतंत्र दिवस वाले दिन दिल्ली दे आउटर रिंग रोड से किसानों वालों तिरंगे ते किसान यूनियन नाल ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। किसान शांतिपूर्ण ढंग नाल मार्च कढ़णगे। गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विघन नहीं पवेगा। उते राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नोटिस भेजे जाने ते किसान जथेबंदियों ने नाराजगी जताई है अते निंदा की है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रधान दर्शन पाल ने कहा है कि NIA ने उन्हां लोगों खिलाफ केस दर्ज करना शुरू कर दिता है जिहड़े किसान अंदोलन का साथ दे रहे हैं, जिन्हों ने इस विच अपना समर्थन दिता है। सारियां किसान जथेबंदियां इसकी निखेधी कर दियां ने। विवादपूर्ण खेती कानूनों ते दिल्ली सरहदां ते चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन नाल संबंधित पटिशनां ते अज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट सरकार ते किसानों विचाले गलबात विचली खड़ोत तोड़न लई बनाई 4 मैंबरी कमेटी के एक मैंबर वालों अस्तीफा देण बाद पैदा हुई स्थिति ते भी गौर कर सकती है। हो सकता है कि वह नवें मैंबर की नियुक्ति भी कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानी अंदोलन लैके कांग्रेस से हल्ला बोलिया। अमित शाह ने कांग्रेस को पूछा कि उसने किसानों को सालाना 6000 रुपये क्यों नहीं दिते। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि नवे खेती कानून नाल किसानों की आमदनी में वाधा होगा। शाह ने यह गल्लां कर्नाटक के बागलकोट में एक रैली दौरान कही ने। दस दें कि अमित शाह इस समय कर्नाटक में 2 दिन दौरे पर ने। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की भलाई लिए काम कर रही है। हुण किसान देश अते विश्व विच किते भी खेतीबाड़ी उत्पाद बेच सकते ने। केंद्र सरकार वालों बनाए गए खेतीबाड़ी संबंधी बनाए गए 3 कानूनों खिलाफ देश भर में चल रहे अंदोलन में जिथे वक्ख-वक्ख राज्यों के किसान सरगर्म ने, उत्थे ही कलाकार भी आपो अपने तरीके ला संघर्ष नूं मगा रहे ने। मारव मंच पटियाला दी टीम वालों मानसा जिले के पिंड रल्ला विखे नाटक खेडिया गया। इस नाटक विच गोदी मीडिया, काले कानून, सरमाएदार लोगों द्वारा की जाने वाली लुट अते भोले भाले लोगों की त्रासदी नूं खूबसूरत तरीके नाल दर्शाया गया। केंद्र सरकार वालों पास किए गए 3 काले कानूनों पक्के तौर पर रद्द करवाने जिथे दिल्ली विच किसानों वालों लंबे समय तो धरना लगाया जा रहा है, उत्ते ही उन्हां दा साथ देण लई वख-वख जथेबंदियों तो इलावा ऑल पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन वालों भी आंगनवाड़ी वर्करां दिल्ली लई रवाना होईआं ने। पंजाब प्रधान हरगोबिंद कौर की अगवाई हेठ आंगनवाड़ी वर्करां गुरु हर सहाय तो पंजाब के वख-वख जिलों तो सिंगू और टिकरी बॉर्डर लई रवाना होईआं ने। श्रोमणी अकाली दल ने दावा किया है कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदे से 26 जनवरी के दिल्ली में कटे जाने वाले ट्रैक्टर मार्च हलका अमलोह तो 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च लिए दिल्ली विखे अपनी वड्डी हाजिरी लगवाई जाएगी।
ਅਮਲੋਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में मेहमान के तौर पर सदा दिता है। G7 शिखर सम्मेलन इस बार जून में होगा। शिखर सम्मेलन में कोरोना वायरस महामारी, जलवायु तब्दीली, मुक्त व्यापार वर्गे ग्लोबल मुद्दे पर चर्चा करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन G7 तो पहला भारत की यात्रा से आ सकते हैं। कोरोना वायरस विरुद्ध लड़ाई में भारत और ब्रिटेन विचाले सहयोग वधन पर जोर देते हुए बयान में कहा गया है कि दुनिया की फार्मेसी के रूप में भारत पहले तो ही दुनिया को 50% तो वध वैक्सीन की सप्लाई करता है। यूनाइटेड किंगडम और भारत ने कोरोना वर्गी महामारी दौरान इकट्ठे मिलकर काम किया है। साढ़े प्रधानमंत्री लगातार गलबात करते रहते हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि G7 सम्मेलन तो पहला वह भारत का दौरा करेंगे। इस बार G7 के शिखर सम्मेलन में भारत तो इलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षण कोरिया को भी मेहमान के तौर पर बुलाया गया। चौबीस जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खालिस्तानी अलकायदा समेत कुछ अतवादी संगठन नापाक हरकतों को अंजाम दे सकते हैं। इंटैलीजेंस इनपुट मगरों दिल्ली पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और वॉन्टेड अतवादियों की तलाशी शुरू कर दी है। सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबिक अतवादी दिल्ली में चल रहे किसान अंदोलन का फायदा चुक के गणतंत्र दिवस से कोई वड्डी गड़बड़ी कर सकते हैं। दिल्ली में कनाट प्लेस के ACP सिद्धार्थ जैन ने कहा है कि सानू इनपुट मिले ने कि खालिस्तानी संगठन अलकायदा के वॉन्टेड अतवादी नापाक हरकतों को अंजाम दे सकते हैं। इसनों ध्यान में रख के असी कई कदम चुके ने। वॉन्टेड अतवादियों के पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर तो धारा 370 हटा दी सी। इस बाद तो ही घाटी की हालत लगातार सुधर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान हाले भी अतवादियों का साथ दे रहा है। नाल ही उसकी कोशिश कश्मीर में वध अतवादियों भेजन की रही है। पाकिस्तान दिया नापाक कोशिशों वेखद्या होया भारतीय फौज भी हमेशा सरगर्म रही है। जानकारी दिंदियां चिनार कोर के GOC लैफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा कि 2020 अतवादियों की भर्ती काफ़ी हद तक कंट्रोल में सी। खास करके 2018 तुलना में मौजूदा समय घट में सरगर्म अतवादियों की गिनती करीब 217 है, जो कि पिछले एक दहाके सब तो घट है। गुआढ़ी देश दापाक कोशिशों से उन्होंने कहा है कि ड्रोन और सुरंगा राही पाकिस्तान ड्रग्स और हथियार भेजन की फिराक में रहा है। इसलिए फौज वालों अंडरग्राउंड रडार समेत कई हाईटैक यंत्र की वरतों की जाती है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरद्वारा श्री रकाबगंज साहिब के लंगर हाल का नाम पंथ की सोन झिड़ी भाई साई भाई रणधीर सिंह जी के नाम से रखा गया। इस मौके दिल्ली कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा, चुनाव सकत्र हरमीत सिंह कालका ने शिरकत की और आई हुई समूह संगतों को बधाई दी। श्री आनंदपुर साहिब तो साबका मैंबर पार्लीमेंट प्रोफेसर प्रेम सिंह चुंदूमाजरा नंगल विखे पहुंचे और उन्होंने मीडिया ने गलबात करदिया पंजाब सरकार अते केंद्र सरकार निशाने ते लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मौजूदा परिस्थितियां वेखदिया म्यूनसिपल कौंसल दियां चोणां नहीं करवाउणी चाहीदियां सन, परंतु पंजाब सरकार इस गल ते वजिद ने जिस ते चलदिया हुण पंजाब दे विच सियासी भीड़ भक रहा है। ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੀ ਸਿੰਘ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਣਾ
जो ये मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस नाल ही होना, सरकार नाल ही होना। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਵੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ, ਸਵੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਵੈ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। मोगा जिले में कुत्ते नूं मारन दे मामले में 2 लोगों ते मुकदमा दर्ज किया गया। दस्सिया जा रहा है कि 2 लोगों वालों 6 महीने के एक कुत्ते नूं मारन दी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के लोगों ने पुलिस वालों की गई कार्रवाई की शलाघा की है। ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।